नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पहले मैं बता दे रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे, और इन वंशों से जीके जीएस जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो यदि आप ध्यान पूर्वक हमारे इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको जरूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किन टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो पहला टॉपिक्स मौर्य साम्राज्य का रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, सुग वंश तथा आंध्र सातवाहन वंश। इन्हीं पांच वंशों को हम बारी बारी से जानेंगे और सबका जो जानकारी है और इनका शासनकाल कितने से कितने वर्ष तक का रहा और कितने राजाओं को ये इन्होंने हराया, सहित कितने क्षेत्रों को ये अपने अधिकार में लिए, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में कि मौर्य साम्राज्य कितना से कितना वर्ष तक चला। तो याद रखेंगे 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य चला। इन्हीं वर्षों के दौरान इन पाँच शासकों ने देशों पर शासन किए, और कौन सा राजा कितने वर्षों तक और सबसे अधिक शासन किया हम वो भी जानेंगे। तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की नींव रखी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि चंद्रगुप्त के जो गुरु थे, जो शिक्षक थे, वो चाणक्य थे, जो बहुत ही ज्ञानवान थे और सभी तरह से अपने शिष्य की मदद किए, और राजा बनाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका चाणक्य गुरु की रही, जिन्होंने 322 ईस्वी में घनानंद की हत्या करवाकर मौर्य वंश के शासन की नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा टॉपिक्स है कि चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस ने एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेपरीपिन सदाई के राज्य प्रदान किए। सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान इसके अधिकार में थे। यानी कि चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपने क्षेत्र को, शासन क्षेत्र को बढ़ाते बढ़ाते पूरे पाकिस्तान, पूरे भारत, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान को अधिकार में कर लिया था। चंद्रगुप्त ने श्रवण बेल गोला, जो मैसूर के नाम से परिचित है, वहां पर इतना राज्य शासन करने के बाद अपना शरीर को त्याग किया। तो यहां से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उभर कर आता है कि कौन सा ऐसा स्थान था जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर को त्याग कर दिया, यानी कि बलिदान दे दिया। तो वो जगह का नाम था मैसूर, जहाँ पर अपने शरीर को त्याग किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि सैंड्रोकोटस भी चंद्रगुप्त मौर्य को दूसरे नाम से जाने जाते हैं। और मेघस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। वह 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। मेघस्थनीज यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत कौन था? मेघस्थनीज, जो कि 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र, जो कि पटना के नाम से जाना जाता है, पहले लोग पाटलिपुत्र ही कहते थे। अब है तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेन जानकारी कि उनका शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से रहा, जो वो राजा बने और घनानंद की हत्या कर सिंहासन पे वो बैठे, वो भी चाणक्य गुरु की मदद से। तो अब हम जानेंगे अगले टॉपिक्स यानी कि बिंदुसार के बारे में कि चंद्रगुप्त का जो बेटा था वही था बिंदुसार। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा महाराजाओं में ये प्रचलन होता है कि यदि जो राजा है उसका पुत्र ही आने वाले समय में राजा बने। तो चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, जो कि उसकी मौत के बाद राजगद्दी को संभाला। उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए उसने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। तक्षशिला में जो विद्रोह हुए, उसने अपने पुत्र सुसीम और अशोक को वहां पर संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भेजा। सीरिया के शासक एंटियोकस वन ने डायमेकस को तथा मिस्र के शासक टोलेमी ने डायनिसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये था बिंदुसार के बारे में कि चंद्रगुप्त के मौत के बाद बिंदुसार ने राजगद्दी, राज्यभार संभाला, और वो भी
अपने पिता की तरह ही अपने शौर्य का परिचय दिए। अब बिंदुसार का पुत्र अशोक, जो कि बहुत ही बलवान, बहुत ही सूझबूझ और विवेक में बहुत ही तेज थे, और जो पूरे भारतवर्ष को अपना अधिकार में रखे थे, तो 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। राजगद्दी पर बैठने के समय वह अवंती का राज्यपाल था, अवंती जो देश है। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में हुए रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक ने सांची के स्तूप का भी निर्माण कराया था। यहाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किस राजा ने, किस सम्राट ने किया, तो अशोक सम्राट ने, जिसे सम्राट का कहने का मतलब पूरे भारतवर्ष का राज्य अकेले संभाला, अकेले राजा बना, सब देशों को, सब राज्यों को कंट्रोल में रखा अशोक सम्राट ने। इसने चंद्रगुप्त बिंदुसार से भी बढ़कर अपना प्रदर्शन दिखाया। और एक बार जब 261 में कलिंग के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने हथियार डाल दिए, और क्योंकि वो इतना रक्त देखकर दुखी हो गया कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों अपने राज्य को बढ़ाने के लिए लोगों की जान लेने पे आतुर हो गया हूँ, क्योंकि उनके जो सैकड़ों लाखों करोड़ों सैनिक थे वो युद्ध के कारण ही मारे गए थे। तो यही देखकर अशोक सम्राट ने शस्त्र त्याग दिया था। और क्वेश्चन भी आपको मैं बता दी कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक सम्राट ने। अशोक सम्राट से ही और टॉपिक्स हैं कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेम्प ने 1837 में पढ़ने में सफलता प्राप्त की। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। यानी कि अशोक ने हथियार त्यागने के बाद, हथियार डालने के बाद, शस्त्र त्याग देने के बाद धर्म अपना लिए, बौद्ध धर्म। इसमें वे ब्राह्मण यानी कि संन्यास ले लिए और ये संकल्प किए कि आज से मैं कभी हथियार, कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बैठा बृहस्त इस वंश का अंतिम शासक था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन लगातार चल रहा था, मौर्य साम्राज्य का, उसका अंतिम शासक कौन था, कुणाल था, जो कि अशोक का पुत्र था। और उसके बाद उसका भी पुत्र बृहस्त इस वंश का सबसे लास्ट और अंतिम शासन था। दोस्तों आज का वीडियो मौर्य साम्राज्य से जुड़े बस इतना ही तक था। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।